हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास वन ऑडियो प्रो 10। ये है भैया डीजे वाले बाबू के लिए हेडफोन। अगर आप गिटार बजाते हो, डीजे पे कोई भी साउंड मॉनिटर करते हो, या फिर आपका कोई म्यूजिक स्टूडियो सेटअप है और वहाँ आपको एक क्रिस्टल क्लियर साउंड चाहिए बिना इको के, और आपकी आवाज़ ओरिजिनल सुनाई दे, जो आप वाकई में है आपकी आवाज़ है, तो ये हेडफोन उनके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाले हैं, ख़ास तौर पर भाई डीजे वालों के लिए, क्योंकि आप इसे रोटेट कर सकते हो साइमल्टेनियसली भाई, अलग अलग साउंड इनपुट सुन सकते हो, इस कान में अलग, इस कान में अलग। तो सारे फीचर्स बताऊंगा, टेंशन मत लो। और हमने एक टैबलेट और मंगा लिया भाई, एसर 8 सीरीज़ का, तो उसकी वीडियो आएगी। अब सब वीडियो आएंगी, लगातार आएंगी, और हम कंटिन्यू रहेंगे यूट्यूब पे। सबसे पहले बात करेंगे इसके साउंड एक्सपीरियंस की। भाई 50 mm का ड्राइवर देखने मिलता है और बेस बूस्टेड ड्राइवर है। अगर आप डीजे वगैरह पर सुनते हो ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एक एक बीट अलग सुनाई देगी, एक एक ट्रबल कितना हाई जा रहा है, सब चीज़ पता चलेगी। तो यहाँ सामने की तरफ आपको देखने मिलेगा बॉक्स वन ऑडियो प्रो 10 का, और बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। ये नहीं है भाई कोई फर्जी सा बना दिया है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो लिखा हुआ है आपके सामने, और साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, कंफर्टेबल एंड फोल्डेबल ईयर कप्स, और बाकी सिंगल साइड मॉनिटरिंग और अडेप्टर फ्री, शेयर पोर्ट टेक्नोलॉजी है, 50 mm का नियोडियम ड्राइवर है, और ये काफ़ी अच्छा होता है नियोडियम ड्राइवर। साइड में लिखा हुआ है द पावर ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और बाकी बॉक्स के पीछे की साइड कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, क्या क्या बैग में आपको मिलेगा इस डिब्बे के अंदर, और ये इमेजेस है आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ कंपनी की डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये है हमारा भाई वन ऑडियो प्रो 10, और काफ़ी बिका यार, इसने धर्नाटे काट रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा सेल है इसकी। डीजे वाले अगर बाबू हो भैया, तो तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। यहाँ देखो ऊपर की साइड पूरा लेदर या फिर रैक्सीन समझ लो, और अच्छे से रैप किया हुआ है, और यहाँ पे सिलाई भी हुई है बहुत ज़बरदस्त। नीचे आपको यहाँ फोम भी देखने मिलेगा नेक बैंड वाली जगह पे। साइड में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल करने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्टील टाइप का कोई मटेरियल यूज़ किया गया है, लेकिन ये स्टील नहीं है, तो आप दोनों साइड से घटा और बढ़ा सकते हैं इसकी साइज़ को और लेंथ को, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे 50 mm के ड्राइवर देखने मिल रहे हैं, ये 90° रोटेट हो जाते हैं। जैसे डीजे वाले लोग पूरा पहन नहीं पाते हैं ना, तो वो खाली घुमा के कान में लगा के सुन लेते हैं, तो पूरा 90° रोटेट हो जाते हैं। और बाकी भाई ये जो है, ये वाला जो हिंज है, ये अंदर बेंड हो जाती है और ऐसे घूम भी जाती है ऐसे करके, ए ये इतनी, तो हर जगह से यार ये घूम रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता, कभी ये घूम जाता है, कभी वो घूम जाता है, तो हर तरीके से फ्लेक्सिबल है। आप किसी भी एंगल से यूज़ करने वाले हो, आपको हर तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है। ऐसी दूसरी साइड भी सेम है इसकी, आप लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको मॉनिटर करने के लिए सामने लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट, ठीक है, लेफ़्ट और राइट की दे रखी है। बाकी यहाँ पे देखो ड्राइवर के साइज पे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा लुक ऑसम लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा शाइनी वाला पार्ट है, आप जब लाइट में देखोगे तो अलग ही, जो डीजे वाली प्लेट नहीं होती है जिसमें गाना वाना बजता है तो वो घिच 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 जो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग करने के लिए दे रखा है। और यहाँ पे वन ऑडियो की ब्रांडिंग का लोगो दे रखा है। नीचे की साइड अगर हम देखें तो ये है 6.5 mm का जैक एक साइड, और दूसरी साइड है 3.5 mm का जैक। तो दोनों तरफ अलग अलग जैक दिए हैं, इसीलिए बॉक्स के अंदर आपको दो केबल देखने मिलेंगे। अगर बात करूं इसके अगले फीचर की, भाई अलग अलग आपको दो ऑक्स केबल देखने मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक साइड से सिर्फ एक मोबाइल से गाना सुनूं, और दूसरे साइड से मैं अलग किसी दूसरे फ़ोन से गाना सुनूं, या टैबलेट से गाना सुनूं, या गिटार से, या फिर भाई डीजे वाले एम्पलीफायर से, तो आप अलग अलग साइमल्टेनियसली सुन सकते हैं। तो आप एक ऑक्स केबल इस साइड कनेक्ट करो नीचे से, और दूसरी ऑक्स केबल आप इस साइड कनेक्ट करो, आप अलग अलग गाना सुन पाओगे। और एम्पलीफायर में लगाने के लिए अलग से आपको केबल देखने मिलती है, आप गिटार में भी लगा सकते हैं इसको।
एक केबल है ये 6.5 mm जैक से 3.5 mm जैक के लिए। तो आप इसको डायरेक्ट गिटार में या फिर एम्पलीफायर में या किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं भाई। और दूसरी साइड यही केबल देखने मिलेगी 3.5 mm जैक में कन्वर्ट हुई हुई। और जो क्वालिटी है भाई बहुत ज़बरदस्त है, रेड कलर की है और यहाँ पे आपको फोल्ड करके दिया है, अच्छा खासा स्प्रिंग बना के दिया है और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और आपको गोल्ड प्लेटेड तो मिलेगी मिलेगी ये। तो ये थी पहली केबल और दूसरी केबल आपको मिलती है ये 3.5 mm से 3.5 mm के लिए है। ये क्या काम करती है, ये शेयर पोर्ट करने के लिए है। मतलब आप एक एक साइड लगाओ अपने हेडफोन में यहाँ पे, इस वाली केबल का मेन काम है शेयर पोर्ट करने के लिए। मतलब आप लगाओ यहाँ 3.5 mm जैक, तो अब क्या होगा दोनों के दोनों ड्राइवर्स में आवाज़ आएगी बराबर, ठीक। और यही केबल लगा दो आगे किसी और दूसरे हेडफोन में, तो यहाँ से आवाज़ घूमते हुए ऐसे जाते हुए दूसरे हेडफोन में भी आने लगेगी। और बाकी आप इस वाली केबल को लगा दो इस वाले इसमें, और इसके बाद जो रेड वाली केबल है इसको आप किसी फ़ोन में, टैबलेट में, कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। और तो आपका जो है शेयर पोर्ट वाला नेटवर्क बन जाएगा। इनपुट आपका यहाँ से हो रहा है और आउटपुट आपका यहाँ से निकल रहा है और बाद में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाकी इसमें आपको वन ऑडियो की ब्रांडिंग वाला एक लेदर वाला बैग देखने मिलेगा, कैरी बैग। अब ये लेदर है ये रेक्सीन है ये मुझे नहीं पता, और अच्छे से कवर कर लेता है, मैं इसी में रखता हूँ और पूरी फिटिंग आ जाती है, चाहे वो हेडफोन हो चाहे वो केबल हो, सब चीज़ मैनेज हो जाती है बहुत आसानी से। बाकी यहाँ पे आपको एक मैनुअल देखने मिल जाएगा पूरा का पूरा, कैसे कनेक्ट करना है, क्या यूज़र्स हैं, सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके देखना। माइक का सपोर्ट भी आपको देखने मिलता है इसके अंदर, तो बहुत ज़बरदस्त आइटम है यार ये, मुझे तो बहुत पसंद आया यार ये। बाकी भाई देखो ये जो कॉटन है ये काफ़ी सॉफ्ट है, आइसोलेटेड डिज़ाइन है, तो भाई साहब जो ब्रीथेबल ईयर कप्स बन जाते हैं ये और बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करूँ मैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या इसे लेना चाहिए या नहीं, भाई देखो 2000 रुपये का प्राइस पॉइंट है और इसमें ना मैं आपको एक कूपन कोड दे रहा हूँ या शेयर कोड, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप खरीद रहे हो, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ आप देख लेना। देखो डीजे वाले अगर आप हो या कोई भी गाना मॉनिटर करते हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है और साउंड क्वालिटी तो है ही बहुत ज़्यादा अच्छी, और इतने अच्छे फीचर्स आपको देखने मिले हैं, अलग अलग सोर्स से आप सुन सकते हो। तो डीजे वाले, गिटार वाले और आपका अगर म्यूज़िक स्टूडियो है कोई, तो उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। और अगर आप अमेज़ॉन पे भी जाके चेक करोगे ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा है इसको। और मैं भी आपको सही बात बताऊँ, जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है, मैं ईयरबड क्या होता है ना भूल चुका हूँ, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा भाई अब ये प्राइमरी सोर्स बन गया है कि जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा, और यही अब तो भाई यही है मस्त चीज़ है यार, इतने फीचर्स मिलते हैं आपको। तो आप भी ख़रीदो, अगर आपका मन है कोई हेडफोन या कुछ अलग लेने का तो आप इसे खरीद सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।